हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं एशिया कप का मैच देखने। पहला कप ओपनिंग सेरेमनी वगैरह भी है मुल्तान के अंदर जो है, तो इससे हम लोग देखने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का। तो मैं तैयार शैर हो गया। मुझे तो कोई पाकिस्तान का कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही तैयार हो गया। अब जॉगर वगैरह पहनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जल्दी जल्दी जाना है, हम थोड़े से लेट हो गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए, और यहाँ पे हमारी टिकटें भी आ चुकी हैं भाई। ये देखो वीआईपी क्लास की हमारी फुल टिकट है भाई। क्या हो गया आज हम जीतेंगे इंशाल्लाह हो जाए सर। भाई यार, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं पूरी पार्किंग टाइप है। यहाँ से हमें आगे बसेस वगैरह लेके जाती हैं। यहाँ छोटी छोटी बसेस होती हैं मेट्रो की, वो हमें आगे स्टेडियम तक लेके जाएंगे। अभी स्टेडियम काफ़ी दूर है। अभी यहाँ पे ये पूरी इतनी बड़ी यहाँ तक पूरी पार्किंग है ये इधर उधर। तो अब हम यहाँ से बस से जाएंगे और फिर आपको स्टेडियम जाके मिलूँगा। आवाज़ आपको थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा रश वगैरह होता है, तो भाई माफ़ करना थोड़ा आवाज़ के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे आ गए, यहाँ पे हमारा चेक इन हुआ है। ये पहला चेक इन है। अभी ऐसे दो तीन और हैं आगे, वो देखो भाई वहाँ पे लिखा हुआ है। ये मोहम्मद यहाँ पे व्लॉगिंग करना शुरू हो चुका है, इसको जज्बा आ गया भाई। वेलकम टू एशिया कप 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है। चेक इन वगैरह आगे भी कराते हैं, फिर स्टेडियम में फाइनली फिर हम लोग बाद में थोड़ा पहुँचेंगे भाई, वो भी अभी दूर है। हम लोग आ गए, ये है भाई हमारी बसेज जिसमें हमने जाना है, ठीक है। अब इसमें जाके मिलते हैं। हम लोग बस में चढ़ चुके हैं, ये देखना भाई। यहाँ पे भाई हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर। ये पूरा गोल गोल भाई देख रहे हैं स्टेडियम है। बहुत मुश्किल से आए हम लोग भाई बस में, इतना रश वो सब करके हम लोग फाइनली फजल अब्बास गेट नंबर हमारा बंद था। कुछ ऐसा ही कुछ है भाई, मैं तो बहुत पहली दफ़ा आ रहा हूँ मुल्तान में। हम रहते हैं, काफ़ी मैच हुए हैं यहाँ पे पहले, लेकिन मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ। तो चलो एक्सपीरियंस करते हैं भाई, पहली दफ़ा बंदर चल के ही आपको ले रखते हैं, ठीक है। ओके, जाना हमने फजल महमूद वाले में, तो चलो चलते हैं जाके मिलते हैं। यहाँ से जा रहे हैं हम लोग भाई, घूम 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 कर जाना है। आगे चेकिंग टाइप हो रही है, तो यहाँ हम लोग अंदर आ चुके हैं। वो देखो भाई सामने ग्राउंड है पूरा, पहली दफा। ओ भाई ग्रीन ग्रीन देख के ही मजा आ गया। ओ क्राउड चेक करो भाई, ये बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा रश है भाई। ये देखो पूरा, ये पूरा ग्राउंड है। भाई मजा आएगा, देखते हैं। अभी सीट पे बैठ चुके हैं बाबर और रिजवान, तो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। वो विकेट गिर गई। ओ भाई साहब, दो विकेट गिर गए। वो देखो दो गिर गए, दो विकेट गिर भी चुकी हैं यार। अरे देखो यार, दो विकेट गिर भी चुकी हैं हमारी भाई। बोल रहा 37 हाय हाय हाय, पहली दफा देख के कितना अच्छा लग रहा है। बाबर बाहर वो लाइव फुल खड़े हुए हैं यार हमारे सामने। चलो अभी फिलहाल मैच से देखते हैं। यकीन नहीं हो रहा जो हम टीवी में देखते हैं, आज हम रियल में यहाँ देख रहे हैं। हमारे सामने प्लेयर्स खड़े हुए हैं भाई, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। वो देखो वहाँ पे रिजवान बाबर खड़े हुए हैं भाई। ये चौका,
आउट हो गया, आउट लग रहा है, चेक करा के जाना फिर आउट। रिजवान आउट हो चुका है और देखो रिजवान अभी वहीं से गया है, वहीं आउट हो गया रिजवान। चलो कुछ नहीं होता, ये एक और बॉल आउट हो गया। आउट हो गया यार। बाबर की 100 होने वाली है, दुआ करो जल्दी से हो जा। अजीब 100 होने वाली है यार बाबर की। भाई 96 है बाबर का, 100 होने वाली है यार, एक चौका। आ चुका है यहाँ पे, बहुत ही कम ओवर रहते हैं, इनिंग ख़त्म होने वाली है हमारी पाकिस्तान की, अभी जो नेपाल की भी है भाई, और स्कोर हो चुका है 297। आप देख सकते हो भाई 297 पे 4 विकेट है, बाबर अभी तक खड़ा हुआ है भाई, बड़ी हिम्मत की बात है, थक गया है बेचारा, बहुत ज़्यादा देर से खड़ा हुआ है बाबर, छक्के भी लगाए हैं काफ़ी अभी। बाबर आजम, बाबर सारे निकल के खड़े हो गए भाई, बाबर आउट हो चुका है, अरे बहुत ज्यादा अच्छी ऊपर देखो ये सारे खेलवान ना वो खड़े हैं। क्या
शादाब आ चुका है, बाबर चला जा चुका है। शादाब की बोल्ड हो चुका है, बाबर अभी गया है। शादाब अभी अभी आया पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे शायद आउट हो गया और इनिंग खत्म हो गई। भाई इनिंग खत्म हो चुके हैं, 343 का टारगेट दिया पाकिस्तान ने नेपाल को, टारगेट दिया है टीम ने और बाबर ने भी बहुत अच्छा खेला, इफ्तिखार ने भी बहुत अच्छा खेला। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका इंटरव्यू होने जा रहा है, ये जहाँ पे बाबर इफ्तिखार दोनों का इंटरव्यू वगैरह लेंगे वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो अब हो रही है सेकंड इनिंग की तैयारी नेपाल की, हारिस राव तो देखते हैं वो कैसा खेलते हैं। हारिस राव तो उसके साथ है ना, लंबा बॉल 343 का टारगेट है, मैं आपको दिखा देता हूं। भाई यहां पे इफ्तिखार का इंटरव्यू हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये स्कोर तो काफी अच्छा है, तो मैं स्कोर का नहीं पूछूं लेकिन पिच के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी शाहीन शाह अफरीदी आ चुका है, वो देखो भागता भागता जा रहा है और अब शुरू होने वाली नेपाल की इनिंग। थोड़ा बहुत ये जो ब्रेक श्रेक होता है प्लेयर्स वार्म अप वगैरह कर रहे हैं, ब्रेक चल रहा है अभी तकरीबन 10-15-20 मिनट बाद ब्रेक खत्म होगा तो फिर शुरू होगा नेपाल की इनिंग। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अब बस पाकिस्तान की इनिंग देख लिया, बहुत अच्छा खेला है पाकिस्तान ने तो अब हम लोग चले जाते हैं, तो फिर नेपाल का देखते हैं हम टी वी पर देख लेंगे, क्योंकि गर्मी पहले तो बहुत थी लेकिन अब गर्मी तो कम हो गई है। पाकिस्तान के वाली इनिंग के वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब गर्मी कम है लेकिन देख के जाना है। नेपाल की इनिंग शुरू हो चुकी है, आप लोग देख सकते क्रिकेटर्स आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर, ये देखो भाई पहला ओवर है शाहीन शाह अफरीदी का, दूसरा ओवर है नसीर शाह का, तो चलो बस ये दो ओवर देख के फिर हम लोग चल चलेंगे। अब पहला ओवर है भाई शाहीन का, टीम आ चुकी है नेपाल, शाह की बॉलिंग चल रही है, वो खड़ा हुआ शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी खड़ा हुआ, ये आई बॉल जा रही है ओ यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने आते ही आउट कर दिया है, 10 रन पे एक विकेट हो चुकी है। आप देखते हैं यहाँ पे बड़े शौक का सदा 10 रन पे एक विकेट हो चुकी है, शाहीन शाह अफरीदी ने ले लिया, प्लेयर आते ही चला गया है। आखिरी बॉल है शाहीन शाह अफरीदी की, एक बॉल पे तो विकेट ले चुका है, विकेट आ चुकी है यार अपनी। ओ रिव्यू ले रहे हैं भाई यार, भाई शाहीन शाह तो कमाल कर, आउट है और मुझे लग रहा आउट है यार शायद, अब डिसीजन देखते हैं, 10-2 होंगी आउट है भाई छा गया शाहीन शाह, छा गया भाई शाहीन शाह भी छा गया भाई शाहीन, लड़के 2-2 विकेट ले लिए यार, आते ही नहीं है यार 2-2 विकेट, पहले ओवर में ही 2 विकेट गिरा दी भाई, नेपाल वालों के साथ तो बुरा हो गया भाई। अब आ चुकी है बॉलिंग नसीम शाह की, तो देखते हैं नसीम शाह क्या करता है। नसीम शाह आ रहे हैं यहाँ पे बॉलिंग, नसीम शाह ने भी ले लिया विकेट यहाँ पे, भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, अभी उसी का नसीम का ओवर चल रहा है और एक विकेट भी ले चुका है नसीम शाह। ये है भाई पूरा ग्राउंड, ओ भाई ये देखो पूरा ग्राउंड, इसको आखिरी दफ़ा एक दफ़ा पूरा देख लेते हैं भाई ग्राउंड, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, पता नहीं अब कब चक्कर लगेगा, कब मुल्तान में मैच होगा, कब हम लोग वापस आएँगे, तो चलो अब घर चलते हैं फिर आपसे।